तो सर आप लोग कमेंट कर रहे थे कि कौन सा स्क्रीन साइज टीवी के लिए कौन सी स्टेबिलाइज़र को चूज़ करना है तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाला हूं चार ऐसे बेस्ट स्टेबिलाइजर जो आप अपने बजट के हिसाब से आपका टीवी का स्क्रीन साइज के हिसाब से आप बाय कर सकते हो इन जनरल अगर बात करें तो स्टेबिलाइजर का जरूरत क्यों पड़ती है टीवी पर तो आपको जैसे कि पता है बहुत सारे ब्रांडेड टीवीज है वहां पर जो पावर सप्लाई रेंज रहती है टू ट्वेंटी टू टू फर्टी ठीक है और कुछ ऑनपॉपुलर ब्रांड्स है कुछ पॉपुलर ब्रांड्स भी है वहां पर आपको मिल जाती है हंड्रेड वोल्ट एसी टू टू वोल्ट एसी लेकिन टीवी पर ऐसा कोई फ्लक्चुएशन का प्रोटेक्शन या ओवरलोड का प्रोटेक्शन वगैरह ऐसा टेक्नोलॉजी आपको देखने को नहीं मिलती है हालांकि अगर आप रेफ्रिजरेटर बाय करते हो जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर आप यहां पर देख सकते हो मैं स्क्रीन के ऊपर में डाल रहा हूं यहां पर लिखा है वाक्स विदाउट स्टेबिलाईजर लेकिन इसका रेंज आप देख लीजिए हंड्रेड वोल्ट टू टू वोल्ट लेकिन टीवी का मैंने आपको जो रेंज बताया 220 टू 240 अदरवाइज 100 वोल्ट टू 240 फोर्टी so सो इस सिनेरियो पर मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आपके सामने रखना चाहता हूं जो कि ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में यानी जब सैमसंग फोर के क्रिस्टल टी के बारे में आपको बताया था दोबारा आपको बता दे रहा हूं उस टी जब मैंने बाय किए विद इन वन ईयर उसका जो पावर सप्लाई जो एस जो यूनिट से वो डैमेज हो गया था और रीजन ये है क्योंकि आपको ज्यादातर पावर फ्लक्चुएशन का जो प्रोटेक्शन है नहीं मिलती है और उसका जो पावर फ्लक्चुएशन का जो रेंज है ज्यादातर नहीं है सिर्फ 20 का डिफरेंस है यानी 220 ट्वेंटी टू टू हालांकि जिस टीवी पर आपको 100 वोल्ट एसी टू टू तक मिल जाती है एटलीस्ट आप सोच सकते हो कि हां थोड़ी सी प्रोटेक्शन हमें मिल रहा है लेकिन जहां पर टू ट्वेंटी टू टू है वहां पर आपको ऐसे कोई फ्लक्चुएशन का प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है और अगर इसका ऊपर जाती है या फिर नीचे आती है तो फिर आपका यूनिट्स का बर्न हो सकती है एशएम पी एस यूनिट जो कि ऑलरेडी मैंने फेस किया बाद में उनका रिप्रेजेंटेटिव आकर रिप्लेस किया उसके बाद जो है टीवी जो है फंक्शन करने लगा सो so, मैं यहां पर रेकमेंड करूंगा सबसे पहले जिन लोग का टू ट्वेंटी टू टू, 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 टू फोर्टी ऐसी इनपुट पावर रेंज है उन्होंने जरूर स्टेबिलाईजर को यूज करना चाहिए बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस आपका एरिया में फ्लक्चुएशन हो रहा है ना हो रहा है डबल सेफ्टी एंश्योर करिए आप यूज कर लीजिए लेकिन जिन लोगों का टीवी पर पावर सप्लाई जो इनपुट रेंज है हंड्रेड वोल्ट टू टू फोर्टी वोल्ट उन लोगों को ज्यादातर जरूरत नहीं है फिर भी अगर आपको पता है कि आपका एरिया में फ्लक्चुएशन ज्यादा हो रहा है तो फिर आप यूज कर लीजिए डबल सेफ्टी एंसल कर लीजिए तो चलिए वो चार स्टेविज के बारे में बात कर लेते हैं विथ प्रोस एंड कॉन्स जो आपको कंसिडर करना चाहिए आपके अपने बजट एंड स्क्रीन साइज के हिसाब से जैसे मैंने आपको वीडियो का स्टार्ट में बताया सो वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम है लक्ष्मी आप देख रहे टेक टेलीविजन अगर आप चैनल पर नए हो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ ऐसे कनेक्टेड रहने के लिए और चैनल को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ में बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो यहाँ पर नंबर वन मैं यहाँ पर प्राइस जो है आपको यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ आप अमेजोन पर चला जाना या फिर आप ऑफलाइन से भी अगर यूनिट्स अवेलेबल होंगे तो आप बाय कर सकते हो आप देख लेना अपना बजट और अपना टीवी का स्क्रीन साइज सो नंबर वन जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर में देख पा रहे हैं यह है नेक्स्ट का वोल्टेज वोल्टेजर जो कि आप इस टेबिलाईजर को यूज कर सकते हो थर्टी टू इंच इंच फोर्टी थ्री इंच अप टू फिफ्टी फाइव तक आप इसको यूज कर सकते हो इट्स मेड हंड्रेड परसेंट कॉपर वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर उथ ए मोर सिग्निफिकेंट पावर फैक्टर वॉल माउंट फैसिलिटीज भी आपको इसमें मिल जाएगी फाइव ईयर वारंटी इसमें प्रोवाइड की जाती है पावर सेविंग टेक्नोलॉजी दोनों बात होना है। क्योंकि कोई भी चीज आप बाय कर रहे हो उसका नेगेटिव भी आपको पता होना चाहिए सो so, अगर कॉन्स का बात करें बिल्ड क्वालिटी जो है पूर्व नहीं कह सकते हो बट एवरेज है और थोड़ी इंप्रूवमेंट होने से अच्छी रहे अब बात करते हैं हमारा स्टेबिलाईजर नंबर टू so, जैसे कि आप स्क्रीन का ऊपर में देख पा रहे हैं यह है भीगढ़ का इसी थर्टी टू इंच टीवी प्लस सेटअप बॉक्स के साथ आप इसको यूज कर सकते हो वॉल माउंट भी आप कर सकते हो टू ईयर वारंटी आपको प्रोवाइड की जाएगी जब आप बाय करोगे बैक्ड बाय थर्मल सेंसर फंक्शन एलईडी इंडिकेटर्स आपको स्टेबिलाईजर पर देखने को मिल जाती है और इनिशियल टाइम डिले सिस्टम्स ये भी एक अच्छी फीचर कह जाता है कोई भी स्टेबिलाईजर अब अगर स्टेबिलाईजर का कर्नस का बात करें तो सर्विस थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है ये बेस्ट माई पास्ट एक्सपीरियंस अब बात करते हैं हमारा स्टेबिलाईर नंबर थ्री तो यह है दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन का में देख पा रहे हैं, का मिनी 32 के ऊपर इसको सेटअप बॉक्स भी लगा सकते हो सो थर्मल लोवल लोड प्रोटेक्शन बिल्ट इन टू स्टॉप अप्लायंस बर्न आउट रिलेबिलिटी भी आपको इसमें है मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर स्पाइक प्रोटेक्शन आपको स्टेबिलाईजर पर देखने को मिल जाती है वहीं अगर कॉन्स का बात करें तो थोड़ी सी नॉइज क्रिएट होती है जब ये रॉन होता है अब बात करते हैं हमारा लास्ट वन यानी फोर्थ वन सो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर में देख रहे दोस्तों तो ये है हमारा एक्स वोल्ट कपर वोल्टेज स्टेबिलाईजर है जो अपू फिफ्टी फाइव इंच एलईडी टीवी के साथ आप इसको यूज कर सकते हो प्लस साथ में सेट ऑफ बॉक्स भी लगा सकते हो सो so, स्टाइलिश है और लाइट वेट भी है वॉल माउंट माउंटअप कर सकते हो पावर बाय कॉपर वायर ट्रांसफार्मर बूस् द लाइफ ऑफ योर अप्लायंस इसमें कोई नो no डाउट अगर आप स्टेबिलाईर यूज करते हो तो अल्टीमेटली थोड़ी सी पावर सप्लाई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं आएगी थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग आपका जो टीवी कर सकती है और यहां पर भी अगर कॉन्स का बात करें तो सर्विस क्वालिटी एवरेज है थोड़ी इंप्रूवमेंट्स का जरूरत है सो ये था मेरा लिस्ट का टॉप फोर स्टेबिलाईजर जो आप अपने एलईडी टीवी का स्क्रीन साइज का हिसाब से यूज कर सकते हो तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलते हैं किसी नए कंटेट के साथ में दोस्तों तब तक तो के लिए नमस्कार जय हिंद